Good evening, students. In our previous session, we have studied up to the endocrine system. और कुछ glands देखा था हमने arthropoda का. तो उसी को आगे बढ़ाते हैं. तो endocrine glands के बाद अब बच्चों देखते हैं ये endocrine के बाद मतलब ये arthropoda में sexes का क्या होता है. ठीक है, means यहाँ पे sexes separate होता है या united होता है. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करते सेक्स ऑर्गन का, देन द सेक्स ऑर्गन्स विल बी सेपरेट. ओके, और सेपरेट सेक्स ऑर्गन होता है तो हम लोग क्या कहते हैं उसे, मोनोएसियस या डाइएसियस इन आर्थ्रोपोडा. हम आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे थे, दैट इज एनिमल्स विथ जॉइंटेड फुट. ठीक है, तो काफी कैरेक्टर्स हमने पहले भी देखा है. तो बच्चा हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, sexes are separate. तो separate sex को हम क्या कहते हैं, they will be dioecious or what? Dioecious or unisexual. Got it. Next, fertilization will be internal. इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, बट एक्वेटिक वंस हैज एक्सटर्नल. जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. एक्वेटिक वंस हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. So, यहाँ बच्चे देखो ये लैंड पे जो पाए जाएंगे जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनमें बेसिकली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, और जो पानी में पाए जाते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. ओके, नेक्स्ट द गोनाइड्स विल हैव डक्ट. जो गोनाइड्स होंगे उनमें डक्ट पाया जाएगा जिसको हम गोनोडक्ट भी कहते हैं. Gonads have duct. तो बच्चों यहां पे हमने क्या देखा, पहला कि इसमें सेक्सेस होता है वो सेपरेट होता है, डाइएसियस ऑर्गेनिज्म में यूनिसेक्सुअल कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है. ठीक है, लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जा रहा है. नाउ गोनाइड्स जो होते हैं, गोनाइड दैट इज द मेल गोनाइड्स एंड फीमेल गोनाइड्स. मेल गोनाइड्स जैसे टेस्टिस ओवरी हो गया, ठीक है, फीमेल गोनाइड्स को ओवरी कहते हैं, तो उसमें डक्ट्स पाया जाता है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट का कि इसमें डेवलपमेंट कैसा है. सो बच्चों डेवलपमेंट जो होता है आर्थ्रोपोडा में That may be direct or indirect. ठीक है, ये direct भी हो सकता है या indirect भी हो सकता है. अब अगर direct development है तो वहां पे larva stage नहीं मिलेगा, वहां पे larva हमको देखने को नहीं मिलता है. ठीक है, वहां पे क्या होता है, जो young ones होता है वो adult को resemble करता है. और मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था आपको, फॉर एग्जाम्पल क्या दिया था, सिल्वर फिश का. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का बात करें, देन द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विल हैव द लार्वल स्टेज. यहां पे आपको लार्वल स्टेज मिलेगा. ओके, एंड दैट लार्वा विल अंडरगो हाई डिग्री ऑफ मेटामॉर्फोसिस और मेटामॉर्फोसिस. ओके, this larva will undergo high degree of metamorphosis. already मैंने आपको metamorphosis के बारे में पढ़ाया है. metamorphosis का मतलब होता है larval stage से adult में convert होना. ठीक है, उसे metamorphosis का नाम देते हैं. now some arthropoda are also there who undergoes parthenogenesis. ठीक है,
कुछ आर्थ्रोपोडा आपको मिलेंगे जो पार्थनोजेनेसिस शो करते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रोन। आई एम क्लियरिंग दिस पेज, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जाकिर हुसैन का क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है? बच्चे फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फ्यूज होना, द फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द न्यू वन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। पहले जायगोट बनेगा, फिर एम्ब्रायो बनेगा, उसके बाद स्टेजेज आ जाएंगे, ठीक है, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के। तो बच्चे देखो यहाँ पे कुछ कुछ आर्थ्रोपोडा ऐसे भी होते हैं जो कि क्या करता है, पार्थेनोजेनेसिस शो करता है। पार्थेनोजेनेसिस, PARTHENOGENESIS, पार्थेनोजेनेसिस। ओके, तो देखो यहाँ पे जो पार्थेनोजेनेसिस से पहले इसका मतलब क्या होता है, पार्थेनोस, PARTHENOS, पार्थेनोस मीन्स वर्जिन एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। ओके, यहां इसको अगर डिफाइन करना हुआ तो हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, डेवलपमेंट फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एक, ठीक है, एक जो है वो फर्टिलाइज हुए बिना डेवलप करता है, समझ गया। और इसका जो एग्जाम्पल है पार्थेनोजेनेसिस का वो हो जाएगा हनी बी। अब हनी बी में कौन, तो हनी बी का ड्रोन, ठीक है, द ड्रोन ऑफ हनी बी। वन सेकेंड, हनी बी में एक मेंबर होता है जो कि ड्रोन कहलाता है, ठीक है। अब बच्चे देखो ये आप लोग को उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक है, इतना बस मैंने कहा यहाँ पे कि ये जो डेवलपमेंट होता है यहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड एग का, ठीक है, उससे यंग वंस का फॉर्मेशन, ठीक है, या एडल्ट का फॉर्मेशन। अब कैसे, तो यहाँ देखते हैं, हनी बी का जो क्रोमोसोमल नंबर है दैट इज 32, द क्रोमोसोमल नंबर ऑफ हनी बी इज 32। ओके, द फीमेल विच इज डिप्लॉयड, ये फीमेल है, 32 नंबर क्रोमोसोम है, ये फीमेल है, ठीक है, फीमेल डिप्लॉयड होता है। और जो मेल होता है उसके पास 16 नंबर क्रोमोसोम होता है, दैट विल बी हैप्लोइड, ये हैप्लोइड मेल हुआ। इसको ऐसा ध्यान से समझिए। ओके, ये देखिए ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। ओके, यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो फीमेल है वो डिप्लॉयड है ट्वाइस एन, और जो मेल है वो हैप्लोइड है। तो डिप्लॉइड स्टेट में कितना क्रोमोसोम है, 32 क्रोमोसोम है, और हैप्लोइड स्टेट में कितना क्रोमोसोम है, 16 क्रोमोसोम है। नाउ देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ गेमेट, अब यहाँ पे गेमेट का फॉर्मेशन होगा। जो फीमेल होगी वो क्या बनाएगी, एक बनाएगी, तो मियोटिक डिवीजन हो रहा है। मियोटिक मीन्स व्हाट, हैप्लोइड डिवीजन और रिडक्शनल डिवीजन, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और यहाँ भी हो गया 16। ओके, दीज आर कॉल्ड एज एग। ओके, एंड दिस मेल मेल विल प्रोड्यूस अनदर गेमेट विच इज कॉल्ड एज स्पर्म। तो यहाँ पे जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है वो माइटोटिक डिविजन से हो रहा है। माइटोटिक का मतलब होता है इक्वेशनल डिविजन। तो देखो यहाँ भी 16 था तो जर्म सेल में भी 16 हो गया। ओके, 16 एंड 16, दीज आर स्पर्म। Now what will happen? The sperm and egg will fuse. अब ये दोनों फ्यूज होंगे, स्पर्म और एक फ्यूज होगा, फ्यूज होने के बाद जायगोट बनाएगा। तो जो जायगोट बनेगा उसमें कितना क्रोमोजोम हो जाएगा बच्चों, तो 32, 16 plus 16, that will be 32 number of chromosome, they will form zygote. Okay? अब इस जायगोट से क्या है कि फीमेल बनेगा, ठीक है, ये 32 नंबर जो क्रोमोजोम है जो फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ये जायगोट जो फॉर्म हुआ डिप्लॉइड जायगोट, ये फीमेल बनाएगा, ठीक है। अब फीमेल में कितने मेंबर्स, तो दो मेंबर, एक क्वीन होता है और एक होता है वर्कर। क्वीन एंड वर्कर आर व्हाट, फीमेल मेंबर्स, ये भी फीमेल है और ये भी फीमेल है, और दोनों का दोनों डिप्लॉयड है। तो यहां देखो क्या है,
अगर ठीक है, अगर उस ऑफस्प्रिंग को रॉयल जेली मिलता है तो वो क्वीन बनेगा और क्वीन फर्टाइल होती है. एंड इफ द ऑफस्प्रिंग डज नॉट गेट्स रॉयल जेली देन इट विल बी इनफर्टाइल. ये इनफर्टाइल हुआ, मतलब इनफर्टाइल का मतलब होता है वो नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म नहीं कर सकता. ठीक है, फर्टाइल का मतलब होता है कि वो नेक्स्ट जनरेशन का फॉर्मेशन कर सकती है. ठीक है, यंग वंस को दे सकती है. तो यहाँ पे क्वीन फर्टाइल होता है बट वर्कर्स आर नॉट फर्टाइल. ओके, क्वीन इज फर्टाइल बट वर्कर इज नॉट फर्टाइल. ओके, तो क्वीन जो फर्टाइल हो रही है, क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ रॉयल जेली. डेवलपमेंट के टाइम में यहाँ पे रॉयल जेली दिया जा रहा है, इसलिए ये फर्टाइल है. और इसको रॉयल जेली नहीं दिया जा रहा है, इसलिए ये वर्कर बन रहे. ठीक है, लेकिन दोनों का जन्म फीमेल है, एक फर्टाइल है, एक इनफर्टाइल है, दोनों डिप्लॉयड स्टेट में पाए जाते हैं. नाउ व्हाट विल हैपन हियर, हियर दिस एग, ये जो एग है ये बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप करेगा. ठीक है, दिस एग डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इनटू मेल कॉल्ड एज ड्रोन. ठीक है, ये देखिए, ये विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस एग इज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इनटू व्हाट, इनटू अ मेल, इट इज कॉल्ड एज ड्रोन. समझ गए, यहाँ पे ड्रोन इसलिए हैप्लोइड है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ एग इनटू एन यंग वंस. ठीक है, ये यहाँ पे जो एग है बिना फर्टिलाइजेशन के यंग वंस में डेवलप कर रहा है. ठीक है, इसको हम ड्रोन कह रहे हैं और इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, सॉरी, और इस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस कह रहे हैं. तो इस तरह से डेवलपमेंट होता है. ठीक है, ये हो गया आपका सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी. ठीक है, इस तरह से हनी बी का सेक्स डिटरमाइन होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी. ये आपको क्लास 12 में भी काम आने वाला है. Is that clear? तो यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग. ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलपमेंट हो रहा है. तो देखो, और इसको ये डीनेचर होगा. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों हमको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा. दैट इज डायमोर्फिजम मीन्स टू डिफरेंट सेक्सेस विल बी फाउंड. ऑलरेडी आई टोल्ड यू सेक्सुअल डायमोर्फिजम सबीर अली ने पूछा सर डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड का क्या मतलब है. ठीक है, आई विल टेल यू आफ्टर फ्यू मिनट्स. सेक्सुअल डायमोर्फिजम इज प्रेजेंट and these organisms are mostly oviparous. Few are viviparous. Oviparous का मतलब जो egg lay करते हैं, egg lay organisms, egg laying animals are oviparous. Viviparous means those animals or those organisms which give birth to young ones. Okay, so they are mostly oviparous, अंडे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं जो बच्चे देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. तो एक बच्चे का भी यहाँ पे क्वेश्चन था कि सर हैप्लोइड और डिप्लोइड क्या होता है. तो आप लोग क्लास 11 में हो, चलो ठीक है, पता तो रहना चाहिए था. Nevertheless, मैं बताता हूं. रुकिए, हैप्लोइड एंड डिप्लोइड, दीज आर द स्टेट विच डिटरमाइंस द क्रोमोसोमल लेवल और बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड द क्रोमोसोमल लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अब देख लो, जैसे हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है. ठीक है, that is what we say, 23 pairs of chromosome. So what we are diploid organism. हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए, 23 pairs है. ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, twice n. But अब अगर gametes का formation हो रहा है या germ cells का formation हो रहा है, तो ये 46 जो है ये divide हो जाएगा 23 and 23 में. तो इसको हम क्या बोलेंगे, haploid number of chromosomes. Okay, these are haploid
एंड इट इज डिप्लॉयड। ओके, तो अगर हम लिख रहे हैं ट्वाइस एन, तो ट्वाइस एन का मतलब हुआ डिप्लॉयड, और अगर मैंने लिखा एन स्मॉल एन तो इसका मतलब हुआ हैप्लॉयड। ये क्रोमोसोमल नंबर बताता है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, कितना है। इज दैट क्लियर नाउ? मैंने एग्जांपल भी दिया ह्यूमन बींग्स का, ह्यूमन बींग्स क्या है, डिप्लॉयड है। ह्यूमन बींग्स आर डिप्लॉयड इन नेचर बिकॉज ईच एंड एवरी सेल हैज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सो दे आर डिप्लॉयड। ओके, बट जर्म सेल्स हैव 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जर्म सेल्स आर हैप्लॉयड। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो मैक्सिमम डिप्लॉयड पाए, जैसे ह्यूमन बींग्स डिप्लॉयड है। ओके ओके, चलो ठीक है, सभी नली को क्लियर हो गया है। ओके, सो बच्चों एक नोट हिसाब से लिख लो, नर्वस सिस्टम एक थोड़ा बच गया है, नहीं भी देने से चलता है, लेकिन जब सारे सिस्टम हमने पढ़े तो नर्वस सिस्टम को क्यों छोड़ दे, दो लाइन में हो जाएगा, ठीक है। नर्वस सिस्टम पोजेस ऑल द थ्री टाइप्स, यहाँ पे थ्री टाइप्स के नर्वस सिस्टम मिलेंगे, डिटेल में नहीं जाना है, ऑनली आपको नाम देखना। नर्वस सिस्टम पोजेस ऑल द थ्री टाइप्स, ओके, क्या क्या, पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा हो जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और जो तीसरा है उसे हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहेंगे। ये सारी चीज आप लोगों को नर्वस सिस्टम में पढ़ाया जाएगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिलहाल इतना जानिए कि जो आर्थ्रोपोडा है उसमें ये तीनों ही तरह के नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट एक और नोट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, दीज आर्थ्रोपोडास और द एनिमल्स ऑफ आर्थ्रोपोडास आर मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेडर्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। ओके, ये जो आर्थ्रोपोडा है ये सबसे सक्सेसफुल इन्वेडर है, आर्थ्रोपोडा आर द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेडर्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। ओके, इन इनवर्टिब्रेट्स, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं दुनिया में उसमें से ये जो आर्थ्रोपोडा है ये टेरेस्ट्रियल में सबसे सक्सेसफुल इन्वेडर है, ठीक है, वो इन्वेड कर सकता है, समझ रहे हो। अब ऐसा वो क्यों है, मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेडर्स वो क्यों है, बिकॉज दे हैव क्यूटिकल्स, उनके बॉडी पे हमको क्यूटिकल मिलता है, और क्यूटिकल क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल मिलता है, मैंने आपको बताया था, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है तो एनवायरमेंट से इसको बचाएगा। ओके, नेक्स्ट दे हैव अपेंडेजेस, अपेंडेजेस है तो वो भाग सकता है, स्विम कर सकता है, ठीक है, फूड पकड़ सकता है, ऑलरेडी मैंने आपको अपेंडेजेस का फंक्शन बताया है, एंड दे ऑल्सो हैव व्हाट, विंग्स। ओके, तो इनके पास ये तीनों ही चीज है, क्यूटिकल्स है, अपेंडेजेज है और विंग्स है, इसलिए क्या है, ये जो आर्थ्रोपोडा है ये सबसे सक्सेसफुल इन्वेडर माना जाता है, कहां पे, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल जनरल कैरेक्टरिस्टिक खत्म हुआ, मेन कैरेक्टरिस्टिक हमने देख लिया। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द एग्जांपल्स ऑफ दिस आर्थ्रोपोडा, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो बच्चों जैसे मैंने कहा था कि ये क्या है, अच्छा मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि आप लोगों को क्या ये इन्वेडर का मीनिंग पता है या नहीं, अगर नहीं पता है तो ये चैट बॉक्स में लिखिए नो, अगर पता है तो लिखिए यस। प्लीज, इन्वेडर का मतलब क्या होता है, के एन ओ डब्ल्यू, नो, नो मतलब तो जानना हुआ भाई, एन ओ नो, चलो ठीक है मैं समझ गया, नो सर, नो सर, यस सर, क्लार्सन कम्स, वेरी गुड वेरी गुड, मैक्सिम ऑफ यू डजंट नो, ओके, तो चलो ठीक है मैं हिंदी में ही बता दे रहा हूँ इसको। देखो बच्चों
इन्वेडर का मतलब होता हमलावर, हमलावर दैट इज अटैकर, AAAKERS, अटैकर, ठीक है, ये अटैक करता है, ओके okay? तो ये सबसे सक्सेसफुल अटैकर है, ठीक है, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स है टेरेस्ट्रियल, ठीक है, उसमें से ये सबसे सक्सेसफुल इन्वेडर है, क्यों है, बिकॉज इसके क्यूटिकल्स है, अपेंडिसेज है इसके पास और विंग्स भी है इसके पास, ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा, अटैकर बोलते हैं इसको, यस, किलर्स, अटैकर्स, हमलावर, यस, वेरी गुड। सो बच्चों यार चलते हैं अब एग्जांपल्स के ऊपर। इसमें बहुत सारे एग्जांपल आ जाएगा, एज वी नो दैट इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। तो देखते हैं बच्चों, शुरुआत करते हैं इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट के साथ। हु इज राइटिंग ऑन माई व्हाइट स्क्रीन, प्लीज डोंट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। आपने स्टार्ट किया है, हैंग होना स्टार्ट हो गया। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, ओके, तो सबसे पहला याद क्या आता है हम लोगों को, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स का बात करें तो सबसे पहले हमें याद आता है हनी, है कि नहीं, बहुत लोगों का फेवरेट भी होगा हनी। सो इट इज द हनी बी दैट इज एपिस, APIS, एपिस इज द जेनेरा, ओके, जेनेरिक नेम, इसको हम कॉमनली हनी बी के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एपिस का, एग्जाम्पल हो गया एपिस इंडिका, देन कम्स एपिस डॉर्सेटा, एपिस फ्लोरी, एंड एपिस लैबोरियोसा। और बच्चों ये सारे के सारे साइंटिफिक नेम है, और मैं आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूं, अगर मैं साइंटिफिक नेम लिखूंगा तो उसे अंडरलाइन करूंगा, अगर मैं कॉमन नेम लिखूंगा तो उसको मैं अंडरलाइन नहीं करूंगा, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कई बच्चों को कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम के बीच में दिक्कतें आई थी। तो देखो जैसे ये जेनेरिक नेम है, ठीक है, एपिस, ये एक ग्रुप बता रहा है, इसमें कितने एग्जाम्पल हो गए, चार एग्जाम्पल, एपिस इंडिका ये इंडिया वाला, एपिस डॉर्सेटा, ठीक है, ये दूसरे देश से पाया जाएगा, एपिस फ्लोरी, एपिस लैबोरियोसा, दीज आर द फोर स्पीसीज ऑफ व्हाट, यस, एपिस इज अ जेनस, ये एपिस जेनस है, मेराजुल इस्लाम ने लिखा सर आपका फेवरेट है हनी, फेवरेट था, मैं नहीं खाता हनी, हनी तो अच्छा लगता ही है, हनी का बहुत मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी है, इट इज गुड फॉर हेल्थ। नाउ स्टूडेंट अब अगर बात करें इस एपिस का या हनी बी का, तो यहाँ पे हमको कैसा कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट हमको क्या क्या मिल सकता है देखते हैं। तो सबसे पहले हनी हो गया, उसके बाद रॉयल जेली, देखिए इसी रॉयल जेली का मैं बात कर रहा था, देन बी पॉलन, आफ्टर दैट बी पॉइजन, देन ये जो बी पॉइजन है इसे आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, बी पॉइजन इज यूज फॉर ट्रीटिंग आर्थराइटिस, आर्थराइटिस आप लोगों ने सुना है आर्थराइटिस के बारे में, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए, आर्थराइटिस का मतलब होता है ज्वाइंट पेन, ये जॉइंट पेन, घुटनों में दर्द, जॉइंट पेन, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ये आर्थराइटिस है, ओके, इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट, ये भी लिख सकते हैं, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो जाता है थोड़ा बहुत, इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट,
ओके घुटनों में दर्द, तो ये पहला हो गया एपिस के बारे में, पहला एग्जांपल ओवर। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सेकंड एग्जांपल। यस मोहम्मद सर यार, आपने सही पकड़ा है। ओके आगे बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल में। सेकंड एग्जांपल सिल्क वॉर नंबर टू। सिल्क वॉर्म का साइंटिफिक नेम हो जाता है बच्चों बॉम्बिक्स मोरी, MORI। अब देखो यहाँ पे मोरी हो गया स्पेसिफिक नेम और बॉम्बिक्स हो गया जेनेरिक नेम। यहां से हमको क्या मिलेगा प्रोडक्ट? सिल्क। यहां से हमको सिल्क मिलेगा। एंड वन थिंग हियर यू कैन नोट दैट सिल्क इज कंपोज्ड ऑफ टू प्रोटीन। सिल्क में हमको दो तरह का प्रोटीन मिलता है, ये भी कभी कभार नीट में पूछ दिया जाता है, ठीक है। सिल्क इज कंपोज्ड ऑफ टू प्रोटीन्स, ओके। फर्स्ट इज फाइब्रोइन एंड द सेकेंड इज सेरीसीन। पहला प्रोटीन हो गया फाइब्रोइन प्रोटीन और दूसरा हो जाएगा सेरीसीन प्रोटीन, SERECIN, सेरीसीन, SERECIN। आई थिंक ये आप लोग को नहीं दिखेगा ठीक से, फिर से लिख देता हूं सेरीसीन, SERECIN, सेरीसीन प्रोटीन। दीज टू प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिल्कवर्म लार्वा। ये जो दो प्रोटीन है इसे कौन प्रोड्यूस करता है? तो लार्वा सिल्कवर्म का, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लार्वा ऑफ सिल्क वॉर्म, ठीक है। ये सिल्क वॉर्म का लार्वा इसे प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा सिल्क वॉर्म का ही, ओके। जैसे बॉम्बिक्स मोरी मैंने एक लिखा है, ये वन हो गया, फर्स्ट हो गया। इससे हमें कैसा सिल्क मिलता? बॉम्बिक्स मोरी से मलबेरी मिलता, मलबेरी सिल्क, MULBERRY, मलबेरी सिल्क मिलेगा यहां से, ओके। उसके बाद जो दूसरा सिल्क वॉर्म है नंबर टू, फिलोसीमिया और फिलोसोमिया रिसिनी, PHILOSOMIA, फिलोसोमिया RICINI, रिसिनी, दिस इज ऑल्सो अ साइंटिफिक नेम। एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट एरी सिल्क, ERI, एरी सिल्क, आप लोगों ने नाम सुना होगा, यस इनसोल्यूबल है, फाइब्रोन इनसोल्यूबल होगा, प्रोटीन ऐसे भी इनसोल्यूबल रहता है मैक्सिमम, ये इनसोल्यूबल, फाइब्रोन इनसोल्यूबल है। नेक्स्ट आ जाएगा एंथेरिया असामा। असामा सुनकर के आप लोग को याद आ गया होगा कि असाम का है, एंथेरिया असामेंसिस, ASAMENSIS। और यहां से हमें कैसा सिल्क मिलेगा बच्चों? असाम का फेमस सिल्क क्या है? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए असम का फेमस सिल्क क्या है, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। नंबर फोर्थ इज एंथेरिया माइलिट्टा, एंथेरिया माइलिट्टा, MYLITTA, क्या बात है, अभी तक असम का सिल्क का नाम नहीं मिला मुझे, माइलिट्टा, LITTA। ये प्रोड्यूस करेगा तसर सिल्क, TASAR, तसर सिल्क, ओके। आई गॉट वन आंसर, मूगा, वेरी गुड, मूगा 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 इज फ्रॉम असम, तो यहाँ पे हो जाएगा मूगा सिल्क, ओके। तो ये रहा सिल्क वर्म के बारे में, बॉम्बिक्स मोरी, फिलोसीमिया रिसिनी, देन एंथेरिया असामेंसिस, ओके, आफ्टर दैट एंथेरिया माइलिट्टा। उसके बाद बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं, इधर लैसीफर, दैट इज द लैक इंसेक्ट, नंबर थर्ड एग्जांपल, लैसीफॉर, LACIFER, लैसीफॉर, लैक इंसेक्ट, INSECT। यहां से हमको लैक स्कारलेट मिलता और रेजिनस सिक्रीशन मिलेगा, ठीक है, लैक स्कारलेट और रेजिनस सिक्रीशन,
ओके सो ये तो था बच्चों कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट के बारे में। उसके बाद बच गया है कुछ एग्जांपल जो कि वेक्टर की तरह काम करता है, जैसे कुछ मलेरिया कॉज करता है, कुछ फाइलेरिया कॉज करता है, ठीक है, इसी तरह से कुछ एग्जांपल और है। ओके सो दैट विल नॉट बी कॉम्प्लीटेड इन दिस सेशन बिकॉज वी हैव ओनली 2 मिनट्स टाइम। सो इसे मैं नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ओके डोंट गो एनीवेयर फॉर दिस सेशन, दिस मच ओनली। ओके थैंक यू।